गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज अंकिता। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा चीज शेयर करने जा रही हूँ जो मेरा रेगुलर बेसिस पे होता है। तो स्किन केयर मतलब ही वो आपको हर रोज़ डेली बेसिस पे करना पड़ता है, लेकिन जैसे आप लोग जानते हो कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, मंडे टू फ्राइडे मेरा बहुत ही एक हेक्टिक बहुत ही बिजी शेड्यूल चलता है, तो इसीलिए उस टाइम स्किन केयर मतलब मैं थोड़ा कॉस्मेटिक्स के ऊपर ही डिपेंड करती हूँ, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। अदरवाइज़ जैसे कि मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा होम रेमेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, होम रेमेडीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो सैटरडे संडे मेरा रूटीन रहता है होम रेमेडीज़ के ऊपर, और मंडे टू फ्राइडे में जो मेरा जो मॉर्निंग स्किन केयर रहता है वो रहता है मेरा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैं कैसे मेरा स्किन केयर रूटीन मेंटेन करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले करूँगी मैं क्लिंजिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मी क्लिंजिंग मिल्क। अभी क्लिंजिंग मिल्क को बहुत ही अच्छे से अपने फेस पे आप अप्लाई कीजिए, और फेस पे अप्लाई करने के टाइम आप उसको बहुत ही अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मसाज कीजिए अपने फेस पे। उसके बाद मैं यहाँ पे ली हूँ एक कॉटन पैड। कॉटन पैड को मैं पानी में थोड़ा भिगो के उससे अपने फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करूँगी। अभी मैं करूँगी स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस हर्बल्स का एप्री स्क्रब। ये एप्रिकॉट स्क्रब बहुत ही अच्छे होता है ऑल टाइप स्किन के लिए। तो इसको भी मैं पहले डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज करके फेस में अप्लाई करना होगा इसको। फिर 5 मिनट्स के लिए इसको आपके चेहरे पे रखना पड़ेगा। ये अच्छे से मसाज करने के बाद मैं फिर एक कॉटन पैड थोड़ा भिगो के और अच्छे से निखार के उसको मैं अपने चेहरे पे यूज़ करूँगी ये स्क्रब उठाने के लिए। बाद मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। मैं एरोमा मैजिक का एरोमेटिक स्किन टोनर यूज़ कर रही हूँ। इसको अपने फेस पे अच्छे से स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद उसको अपने फेस पे बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, और सर्कुलर मोशन में भी आप लोग मसाज कर सकते हो। फिर आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा टोनर को थोड़ा ड्राई होने के लिए, मतलब सूख जाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ आयुष का एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल कोई भी स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छे होता है। सबसे बढ़िया बात है एलोवेरा जेल यूज़ करने से आपके फेस को बहुत ही एक फ्रेश मॉइस्चर एंड कूलिंग लुक देता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी एलोवेरा जेल आप लोग भी यूज कीजिए, और बहुत ही अच्छा
ग्लोइंग स्किन लेके आइए। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना मत भूलना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई नया चीज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विथ मी। हैप्पी वीकेंड एंड चलिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।